नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल मैंने एक वीडियो डाली थी, यानी कल सुबह एक वीडियो डाली थी, जिसमें कि मैंने सैटरडे में यानी कि कुछ कैंडिडेट ने बात की थी, जो रिकॉर्डिंग मेरे पास शेयर की गई थी, जो रिकॉर्डिंग मैंने अब उसको वीडियो पर वीडियो बनाई थी, यानी कि यूट्यूब पर भी उसके ऊपर काफ़ी वीडियो बन चुकी थी। और साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि देखिए, वो मतलब रिकॉर्डिंग फेक थी या रियल थी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि काफ़ी यानी कि कई जगह मेरे पास भी आई थी, वो मैंने वो रिकॉर्डिंग फिर फॉरवर्ड करने के बाद आपको मैं बताऊं, यानी कि मैंने वो उसके बाद वीडियो बनाई थी, यानी कि मुझे लगा कि हाँ, यानी काफ़ी वीडियो भी यूट्यूब पे आ चुकी थी और मुझे लगता था कि हाँ, ये मतलब जब फ्रॉड हुआ है तो यानी कि दोबारा लिस्ट आने के चांसेस हैं, मुझे भी इस प्रकार से लगा, तो मैंने इसलिए वो वीडियो बनाई थी। अब साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि देखिए, अब जो मतलब एक मतलब खबर निकल के आ रही है, मतलब मैंने खुद अपने मैं बताना चाहूँगा आपको कि मैंने खुद आज मतलब आज अपने आप मतलब खुद बात की, अपने फ़ोन से मैंने खुद मिलाया फ़ोन और मैंने अपने आप से खुद मालूम किया कि क्या मतलब यानी कि आप लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। मतलब क्लियरली यानी 100% क्लियर किया कि हाँ, लिस्ट आने वाली है, नहीं आने वाली है। क्या उन्होंने बताया, यानी कि सीएसबी वालों ने क्या बोला कॉल रिकॉर्डिंग में, आप इस भी सुन सकते हैं, वो भी मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। सो प्लीज़ आप वीडियो के साथ एंड तक बनी रहेगा। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूंगा, अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी के। तो साथियों देखिए, मतलब मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मैंने एक कल वीडियो बनाई थी ये वाली, यानी कि जिसमें मैंने वीडियो में बताया था कि आपके मतलब एडमिट कार्ड जो है वो दोबारा से आ सकते हैं, यानी कि परसों, यानी कि कैसी कैंडिडेट ने बात की थी, जो मेरे पास रिकॉर्डिंग शेयर की थी और वो मुझे लगा कि हाँ, रियल मतलब रिकॉर्डिंग है। मतलब मैं भी मानता हूँ कि रियल हो भी सकती है, ना भी हो सकती है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ इस बात से, लेकिन चलो जो भी है, अब जो हमारे साथ हुआ वो तो हो ही रहा है, अब मैं तो ये कह नहीं सकता कुछ भी। तो देखिए, मेरे पास कुछ कैंडिडेट ने इसी वीडियो के नीचे काफ़ी कैंडिडेट ने कमेंट किए थे, जिसमें कि क्या कहा था कि अभी एक घंटे पहले भी कमेंट आया था, एक दो घंटे पहले भी, यानी कि मैं इस टाइम वीडियो शूट कर रहा हूँ यानी कि शाम को, तो इस टाइम मतलब ये कमेंट आया था कि सर लिस्ट नहीं आया भाई, नहीं आया है, इस प्रकार से कमेंट आया था। एक कमेंट आया था भाई, आया दोबारा लिस्ट, मतलब इस प्रकार से कमेंट आया। फिर एक कमेंट आया कि देखिए नहीं आएगी, मैंने खुद बात की, तो मुझे लगा कि हाँ, देखिए कुछ डाउट है, तो मैंने क्या किया, काफ़ी कैंडिडेट ने मेरे पास और भी कमेंट किए, तो मैंने सोचा कि कुछ डाउट है, तो फिर मैंने क्या किया, यानी कि डायरेक्ट सीएबीएसबी को कॉल किया और मैंने मालूम किया कि मतलब क्या मसला है, क्या हो रहा है, ये सब मतलब होगा, यानी लिस्ट आ भी सकती है, नहीं आएगी, इस बारे में बात की। तो चलिए हम पहले कॉल रिकॉर्डिंग को सुन लेते हैं। हेलो सर, हाँ जी, ये जानना चाहता हूँ सर, जो लिस्ट आई है सर एयरफोर्स रैली भर्ती की, सर इसमें क्या है कि मतलब बहुत सारे फेक कैंडिडेट हैं, मतलब सर उनके 100% नंबर आए हैं, करीब 60-70 कैंडिडेट हैं, वही फाइनल है सर, ये क्या चेंज नहीं होगी सर? जी नहीं, चेंज नहीं होगा। तो सर इसमें ये है कि जितने सर ये फेक कैंडिडेट हैं सर, उनकी जगह सर दूसरे कैंडिडेट्स नहीं आए, अगर उनका उतना नहीं होगा तो निकाल दिया जाएगा सर, वो तो निकाल दिए जाएंगे सर उनका, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहर हो जाएंगे, लेकिन सर उनका क्या होगा सर, जो मतलब नंबर लाए जिन्होंने तैयारी की, वो तो सर उनकी वैकेंसी तो चली गई ना, और उसके बारे में तो हम नहीं बोल सकते, अभी फिर से ये जनवरी में रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उसमें करिए। तो सर कहीं नई लिस्ट नहीं आएगी सर, मतलब जैसे हरियाणा बिहार राजस्थान में सर नई लिस्ट आई थी सर, जब वहाँ पे उल्टे सीधे नाम से फॉर्म भरे गए थे, तो नहीं कोई लिस्ट नहीं आएगी सर। अभी कल बात हुई सर वो सीएसबी वालों से सर, तो वो कह रहे थे कि मंडे को नई लिस्ट आएगी शाम तक, ऐसा कोई आपके पास जानकारी है? ये किससे आपने बात की, आपने बात किए थे? सर मैंने नहीं बात की सर, एक रिकॉर्डिंग सर यूट्यूब पे कोई पड़ी थी तो सर मैंने सुना था। नहीं, वो कोई यूट्यूब के बारे में हमें नहीं पता। अच्छा सर, तो मतलब आपके हिसाब से सर कोई नई लिस्ट नहीं आनी है? नहीं, हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं। तो सर जो मतलब नंबर जिन्होंने गलत भरा वो बाहर हो जाएंगे, बाकी जिनकी वैकेंसी गई वो गई, नंबर गलत भरे हैं वो तो गलत ही है ना वो। सर ये समझ लीजिए सर कि 70 लोगों के करीब 70 लोगों के सर 100% नंबर है सर, जिसकी वजह से सर कटा बहुत हाई चली गई, और जिन्होंने मेहनत की तैयारी की और उनका नाम नहीं आया सर, और सर लोग बता रहे हैं कि मतलब मेरे 70% हमने जानबूझ के सवर दिया, अब समझ लीजिए सर ऐसा हुआ है। ऐसे कौन ऐसा बोले, उसका नंबर कोट करके हमारे हमें मेल कर दीजिए। अच्छा अच्छा सर जी, मैं आपको सर स्क्रीन शॉट ही भेज दूंगा सर, कई ऐसे कैंडिडेट है आप जिन्होंने अपनी मार्कशीट तक सर शेयर कर दी कि मेरे सर 78% नंबर है सर, और मैंने 100% भर दिया क्योंकि मेरा मुझे मालूम था आना नहीं था, ऐसा हुआ सर। पहले ये मतलब जिसने अभी आपने बोले ना कि 70% रखा है उसने भर दिया है, उसका नंबर कोट करके आप हमें मेल कर दीजिए।
सर ओके सर, मैं कोशिश करूंगा सर। मैं मतलब बहुत ही ऐसे सर यूट्यूब पे मैंने कमेंट पढ़े, कुछ लोगों ने तो मार्कशीट भी अपने चैनल पर दिखाई कि देखो हमने मतलब गलत देख लिया था। यस सर, हमें यूट्यूब का मत बताइए कि यूट्यूब में क्या चल रहा नहीं चल रहा, हमें नहीं पता। यस सर, जिसको लग रहा है कि हाँ ये है इसका जिसने एसएस रखा है, हाँ जिसने मतलब गलत किया है, हाँ वो गलत किया है, आप ये भेज दो हमारे। ओके सर, बाकी सर नई लिस्ट नहीं आई इसकी? जी नहीं आ रहा है। अच्छा, तो साथियों देखिएगा कि मैंने अपने हिसाब से जितनी भी मुझे अच्छी लगी, मुझे बात करनी चाहिए थी, मैंने सारी बात कर ली। मतलब जो भी मुझे बात रखनी चाहिए थी वो सभी बात मैंने रिकॉर्डिंग में रखी, यानी आपने सुन भी लूँगी। यानी कि मैंने जब बात की तो मतलब जितनी भी बातें रखनी चाहिए थी सीएसबी वालों के सामने मैंने वो बात रखी, लेकिन सीएसबी वालों ने केवल एक ही बात क्लियरली कहा कि देखिए अब जो भी हुआ वो हो गया, लेकिन अब फाइनल लिस्ट जो भी है दोबारा अब नहीं आने वाली है। यानी कि आपने सुन लिया होगा कॉल रिकॉर्डिंग में, यानी कि जो लिस्ट जारी हुई है वही लिस्ट रहने वाली। तो साथियों मैं तो मानता हूं कि देखिए हमारे साथ सभी के साथ ये बुरा हुआ है, यानी कि बहुत ही गलत किया गया है। उन सभी कैंडिडेट के साथ ही गलत किया गया है, यानी कि जिन भी कैंडिडेट की मान लो 89-90% है या 88% है, तो भाइयों मैं तो कहना चाहूंगा देखिए उनके एडमिट कार्ड तो आ सकते थे, लेकिन उन सालों कुत्तों से मेरे मुंह में से गाली निकल रही है। क्या कहना चाहूँगा कि उन कुत्तों को मैं क्या कहूँगी, जो कुत्ते साले मतलब उल्टा 100% मार्क्स फेल कर दिए, क्या वो मतलब सिलेक्शन ले पाएंगे? भाई वो नहीं ले पाएंगे। क्या किया उन्होंने साले, अपना तो अपना किसी और का भी मतलब नुकसान कर दिया इसमें। लेकिन भाइयों आप ये मत सोचिए, कोई बात नहीं, चलो यो जो भी किया कोई बात नहीं, अब अपने नेक्स्ट अटैम्प्ट की तैयारी करिएगा। भाइयों मैं आपसे कहना चाहूँगा देखिए कुछ दिन बाद आपके फॉर्म निकलने वाले, हो सकता है आपके जनवरी में फॉर्म निकल जाए, जनवरी 2021 में आपके फॉर्म निकल जाए, तो आप अपने अगले अटैम्प्ट की तैयारी करिएगा। भाइयों मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि देखिए निराश ना होइए, ये आप सभी के साथ हुआ है। देखिए मैं मानता हूँ कि ये गलत हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, लेकिन गवर्नमेंट को भी ये अपना देखना चाहिए। गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं देख पा रही है भाई, क्या क्यों कर रहे हैं ये सब, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता, इतना ही कह सकता हूँ कि आप देखिए निराश ना होइएगा और अपनी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिएगा। आप मतलब जो भी आपका अगला अटैम्प्ट आने वाला है उसकी आप प्रिपरेशन अच्छी तरह से करिए। मार्च में आपका एग्जाम हो सकता है मे बी, तो प्लीज़ आप उसकी प्रिपरेशन में लग जाइएगा, फॉर्म आपके जनवरी में आने के चांसेस हैं। तो चलिए दोस्तों मेरे पास बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके जो बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई भी आपका सुझाव रहता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपका कोई क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथियों अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूं। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे।